कैसे भाई आप लोग? बढ़िया बढ़िया माशाल्लाह। चलिए, लास्ट क्वेश्चन हमने आपको कराया था कि इन अ क्लोज वेसल 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पे हो गया था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। यस सर, आज हम लोग इसी के आगे का पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, क्योंकि शुरुआत हमेशा क्वेश्चन से होनी चाहिए। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइल एल्कोहल, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH in its 46% aqueous solution. मतलब किसकी बात कर रहे हैं? एक्वस C2H5OH। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दो चीजों से मिलकर के बना है। सर, एक तो है C2H5OH और एक पानी। अच्छा, दोनों मिलाकर के। अच्छा, मोल सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये परसेंटेज किसका लिया है? सॉल्यूट का। तो जाहिर सी बात है, 100 में से 46 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? तो कहेंगे 54%। कितना परसेंट? 54%। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नोट करिए, अब पर किसी भी चीज को परसेंटेज बोलो या इसी को ग्राम वेट बोलो, हाँ एक ही बात पढ़ाया था। तो ये कितना हो गया? इसको मैं 46 ग्राम मान लू और इसको मैं मान लू 54 ग्राम, राइट। अच्छा, नंबर ऑफ मोल निकालना हो अगर, तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो 54 अपॉन पानी का कितना हो गया? 18। ठीक है, हो गया। चलो, और यहाँ पर क्या होता है? 46 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल अगर मुझे निकालना हो, मैं क्या करूँगा? 46। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, 12 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 16, यही आया। जब तुम इसको जोड़ोगे तो आएगा 46। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1 मोल। कितना आएगा? 1 मोल। और ये आएगा 3 इजा, राइट। 3 इजा दैट इज 3 मोल, दैट इज 3 मोल। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला है ना, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मोल फ्रैक्शन जब निकालने को बोलता है तो उसके मोल अपॉन सबके मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू उसके मोल, दैट इज 1। सबके मोल मतलब 1 प्लस 3, तो 1 अपॉन 4 या फिर 0.25। ये आगे इसकी मोलारिटी, मोलर मोलर, दिस इज अ मोल फ्रैक्शन। और क्या पानी का निकाल सकते हो? 4/4 कितना है? 3/4। मैं तो ऐसे ही बता दे रहा हूँ। और वहां पर इसका मोल अपॉन सबका मोल, 3/4 मोल। कुछ लड़के तो यहाँ रैली से आ रहे होते हैं, पता है कि नहीं? हाँ, क्यों बेटा रैली करके आ रहे हो ना? नहीं, हाँ स्कूल के नाम पे घर से निकलते हैं, रैली करके आते हैं, पैसा मिलता है ना। चले चलो, और क्या क्वेश्चन थे? अब लिखिए लिखिए, इन अ सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला लिख लो, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। तो देखो ना, तुम्हारा आंसर आया था 0.25, 1 से कम ही था ना। तो अगर तुमको एथाइल अल्कोहल का पता था तो पानी का कैसे निकालोगे?
वन से माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू, मैं ऐसी बता रहा हूँ, 3/4 को आप 0.75 नहीं कह सकते, वेरी सिंपल कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो क्या वन से ज्यादा हो सकता है? नहीं, ऑलवेज यही होगा, इससे ज्यादा कम कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अब अगली बात आती है बेटा, एक क्वेश्चन से सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 0.2 इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज 0.2 इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। In its aqueous solution, then number of mole of water, then number of moles of water containing one mole of sulfuric acid are. सॉल्व करके बताओ, मैं तो ऐसे ही सॉल्व कर लूंगा। क्वेश्चन में दिया क्या है? कहेंगे क्वेश्चन में दिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना दिया है, 0.2। अरे क्वेश्चन सॉल्व, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये तो पूछा है, क्वेश्चन पूछा भी तो है। क्या पूछा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ये दिया है, तो नंबर ऑफ मोल पूछा है वाटर का, तो पहले हम पानी का वो निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, तो 0.2 प्लस नहीं पता इज इक्वल टू 1, तो यहाँ जो नहीं पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या जाएगा, 0.8 आएगा कि नहीं आएगा? याद तक समझ में आ गया, 0.8 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। चलो इतना नोट करो, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, चलो ये समझ में आया कि 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोलर पानी में प्रेजेंट है, 0.8 में है। ठीक है, तो अगर मैं 1 मोलर की बात करूं, 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूंगा, तो ये कितने में होगा, तो कहेंगे 0.8/0.2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4, कितना आएगा 4, तो आंसर क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4। ठीक है, बड़ा सख्त है चौकीदार, क्या चल रहा है, आगे बढ़े। चलिए हेडिंग डालिए पार्ट्स पर मिलियन वरना PPM। आप लोगों ने सुना होगा हमारे बिटिया तो लाखों में एक है, सुना है ना, तो उन लाख बिटियों में एक बिटिया इज लाखों में एक बिटिया, तो उन लाखों में का एक लाख का एक पार्ट इज योर बिटिया, राइट। तो इसी तरीके से मिलियन का मतलब होता है 10 लाख 10^6, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो 10 कोई भी चीज को 10 लाख टुकड़ों में तोड़ोगे उसका जो एक टुकड़ा होगा दैट इज कॉल्ड एज पार्ट्स पर मिलियन। बस समझ में आ गया। चलो देखो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 10^6, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 10^6, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन
से वो कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। क्वेश्चन आया कि 500 ग्राम कितना ग्राम, 500 ग्राम हमने टूथपेस्ट लिया, 500 ग्राम टूथपेस्ट में 0.2 ग्राम फ्लोराइड आयन मिला आर प्रेजेंट, ठीक है, देन इट्स ppm कॉन्सेंट्रेशन इज, तो कह रहे हैं सॉल्व करके दिखाता हूं, कह रहे हैं कि इन 500 ग्राम, इन 500 ग्राम देयर इज 0.2 ग्राम फ्लोराइड आयन इज प्रेजेंट, सो इन 10 की पावर 6 0.2/500 अच्छा जीरो बना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 राइट राइट, तो क्या आंसर आया 2 और ये कितने जीरो है 2, 2, 4 इंटू 10 की पावर 3 2 × 10^3/5 ये तो हुआ। अभी इसको और सॉल्व करो तो क्या होगा, जब तुम और सॉल्व करोगे तो ये 20 × 10^2/5 5 × 20 5 से क्या आ गया 4 × 10^2 क्या इसी को हम लोग 400 पार्ट्स पर मिलियन नहीं कह सकते, क्या कह सकते हैं 400 ppm। अच्छा समझ में आया, एक मिनट रुक जाइएगा। अब दिखेगा, सॉल्व करिए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नाउ द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द ppm कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, क्वेश्चन इज कैलकुलेट द ppm कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.2% डेक्सट्रोज, ठीक है, सॉल्यूशन इज डेक्सट्रोज, सॉल्यूशन इज बताइए डेक्सट्रोज क्या हो गया, डेक्सट्रोज शुगर मतलब 6 कार्बन की शुगर कौन सी होगी, ग्लूकोज हो सकती है, फ्रक्टोज हो सकती है, कुछ भी ले लो, दैट इज C6H12O6, ठीक है नोट करिए, अच्छा 2% का क्या मतलब होता है कि अगर हमने 100% लिया होगा उसी का परसेंटेज हमेशा 100 में होता है, तो उसमें अगर जैसे मैं कहूँ कि 100 ग्राम कोई चीज़ ली तो कितना होगा क्वांटिटी में 2 ग्राम, कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने 100 के उसमें लिया तो ये कितना होगा उसमें, उसमें इसका शुगर कितना होगा, अगर 100 ग्राम हमने सोल्यूशन लिया उसमें शुगर कितना ग्राम होगी 2 ग्राम, 2% है ना, अच्छा 0.2% है, 0.2% है, तो ये हो गया तुम्हारा 0.2%, अगर सोचो इस 100% का, इस 100% का अगर मैं 1 मिलियन पार्ट बनाऊं, कितना पार्ट बनाऊं 1 मिलियन, मतलब कितना जीरो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जीरो या 10^6 जीरो, ये कितनी होगी, तो कहेंगे ये कितना परसेंट होगा, तो कहेंगे सर अगर क्या बेटा मैं इसको ये बोलूं 100 में अगर 0.2 है, अगर मैं इसको एक अच्छी वैल्यू से रिलेट कराना चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि
चलो 1002 कर ले, कर सकते हैं। अरे 1000 का 0.2% 2 होता है, दिक्कत। और 100% का 0.2 क्या होता है, 0.2 ही होता है, राइट? समझ रहे हो, इससे कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो यहाँ पे लिखिए तो क्या हो गया, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? बेटा आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज आप 0.2 से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका पीपीएम निकालना है तो क्या करोगे? हो गया सॉल्व कर लो, अब सॉल्व करो। ओके सॉल्व करो, ठीक है। वैसे सच बात तो ये है कि इसको करने से अच्छा है यार हम लोग 0.2 अपॉन 100 ना कर दें, आंसर तो वही आएगा ना। ये आपको केवल क्वेश्चन आसान दिखाने के लिए किया था, कोई फर्क उससे पड़ेगा नहीं, आंसर उतना ही आएगा। जब आप 0.2, अगर मैं यही सेम क्वेश्चन होता और इसकी जगह पर बेटा 2% ले लेता मैं, क्या होता? तो आप क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ कि कितने पार्ट शुगर के प्रेजेंट होंगे एक पीपीएम में, पीपीएम के तौर पर। अगर हमने 10 लाख मॉलिक्यूल लिया सॉल्यूशन का, तो उसमें कितना मॉलिक्यूल शुगर का होगा बताओ? हाँ गुड, वेरी गुड, बहुत सही बताया इसने सर, 20,000। चलो अब अगर हमने इसका इतना ले लिया 2%, तो कहने की सर परसेंट तो 100 ही का होता है, 100 में 2%, तो एक पार्टिकल कितने में? तो कहेंगे सर अगर 10^6 पार्टिकल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/100 × 10^6, तो तुम इसको सॉल्व करोगे तो 20,000 पार्ट्स बनेंगे। आंसर सही है, समझ में आ गया, 20,000 ppm। नहीं समझ में आया? बहुत सिंपल है हाँ, तो 20,000 पार्ट्स पर मिलियन आएगा। अब आती है अगली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। क्या कहते हैं? मोलैरिटी। यही शुरुआत होती है चैप्टर की। नाउ द नेक्स्ट इज मोलैरिटी। किससे नोट करते हैं? कैपिटल एम से। तो नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ml और 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। अरे सिंपल भाषा में मैं बोलूं, ये तो वही बात हो गई, मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो क्या होता है, ग्राम मोल्स, इसकी बात करते हैं ग्राम मोल्स की। जब हम बात करते हैं ग्राम मोल्स की, तो ग्राम मोल्स को तीन, मतलब ग्राम मोल को बोलो या मोल बोलो, एक ही बात। अच्छा यू नो वेरी वेल दैट नंबर ऑफ मोल तो दिखने का तरीका ही तरीका है, वेट अपॉन क्या, मॉलिकुलर वेट, और क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन 22.4 मीटर, और एन अपॉन लिख सकते हैं, या आप जानते हैं कि इसको क्या कह सकते हैं, 6.02 × 10^23। सो देखिए मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल करूं तो आगे बढ़े।
हो गया। चलिए क्वेश्चन करते हैं। द क्वेश्चन इज, देखिए सॉल्व करके बताइए। द क्वेश्चन इज 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्व करिए। सॉल्व करिए क्या होगा, सिंपल सॉल्व करके दिखाओ। मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अच्छा वॉल्यूम यहां पर ml दिया है, तो 500 ml को अगर तुमको लीटर में करना होगा तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, वैसे 0.5 लीटर। अब बात आती है कि 4 ग्राम दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वेट दिया है 4 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट आपको निकाल सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड का, क्या हो जाएगा, तो 23 प्लस 16 प्लस 1, जब सॉल्व करोगे तो क्या 40 आएगा, 4/40 हो गया। क्वेश्चन सॉल्व क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल का क्या फॉर्मूला हो गया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। जब तुम इसको और सॉल्व करोगे तो 4/40 × 0.5, जब तुम इसको और सॉल्व करोगे तो 1/5 आएगा, देखो आ रहा है 1/5, या इसी को आप कह सकते हो 0.2 मोलर, 0.2 मोलर। कोई दिक्कत आपको आया सर, यहाँ क्यों नहीं बैठ रहे हो, कैलकुलेटर आगे बढ़े, चलो आपके इसको छापो क्या बेटा, चलो सॉल्व करके दिखाओ अगले कुछ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ टेन परसेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। चलो सॉल्व करो बोलो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परसेंटेज हमेशा किसमें होता है, 100 में। इसका मतलब अगर कोई सॉल्यूशन है तो यहाँ पर 100 से रिलेट कर रहे हैं, 100 का 10%, इसका मतलब 100 ml सॉल्यूशन में 10 ml कुछ है। अच्छा मोलैरिटी, द राइट आंसर इज 2.5 मोलर। अभी देखना सॉल्व होगा बहुत आसानी से। बात सुनो, जब परसेंटेज की बात आती है तो 100 में निकलता है, इसका मतलब 100 ml में 10 ml प्रेजेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही बात हो रही है। अच्छा जब आप वॉल्यूम की बात करते हो, जब इस फॉर्मूला में वॉल्यूम रखते हो तो वॉल्यूम किस में लेते हो, ml में कि लीटर में, और नॉर्मल स्टैंडर्ड कितना होता है, 1 लीटर रखते हो कि नहीं, तो ये पूरी कहानी तुमको कितने के लिए करनी पड़ेगी, 1000 ml के लिए या फिर 1 लीटर के लिए। चलो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हमको ये पता चला कि 100 में कितना है ये 10, तो हमको ये पता भैया तो 1000 में कितना होगा, तो क्या होगा कहेंगे सर 10/100 कर लीजिए एकाकीय नियम के बाद और 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही होगा सिंपल सिंपल। हाँ वन रूल लगता है, वंस रूल जानती हो, एक की है नियम नहीं जानती, एक केला 2 रुपए का है तो 12 केला कितने के होंगे, इसको वंस रूल कहते हैं। ठीक है तो ये कितना हो गया 100।
कितना हो गया 100 ग्राम। अब ये 100 ग्राम क्या हो गया इन वेट, क्योंकि परसेंटेज है तो इसको हम वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ना फार्मूला क्या है, मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो क्या हो गया 100 अपॉन 40 इनटू वॉल्यूम कितना है, तो कहेंगे 1000। एक सेकंड, एक छोटी सी गलती मम्मी कर रही है, गलती इज दिस कि यार ये बात तो हमने 1000 ml के लिए करी ली ना, तो मैं इसको 1 लीटर लिखूं सीधे, क्या लिखूं 1 लीटर। तो अब सॉल्व करूंगा तो 4 दूनी 8 और अब बचा 2, 5 और 20 मतलब 4 5 20 2.5 मोलर आता, लेकिन फिर भी इतना आंसर नहीं आना चाहिए था। चले आगे बढ़े, और क्वेश्चन दिखाएं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आया हूँ। तो द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ CCl4 having density 1.54 ग्राम पर सर। सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत आसान से। क्या हो जाएगा तो मोलैरिटी बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और पर एमएल दिया हुआ है, 1.54 डिवाइडेड, ठीक है 1000। अच्छा पहले ये वेट मॉलिक्यूलर वेट तो निकालो CCl4 का, CCl4 12 प्लस 34 आएगा 4 into 35.5 प्लस 12 करोड़ 154 आएगा, चलो अपॉन इनटू वॉल्यूम इन लीटर, या फिर अगर एमएल है तो वॉल्यूम इन एमएल अपॉन 1000, ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। नहीं समझ में आया, बहुत बेसिक है, अब सॉल्व करो, अब वैल्यू रखो सॉल्व करो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन अच्छा देखो, तुम लोग को ये लग रहा होगा कि क्वेश्चन में दिया कहाँ है, पर एमएल लिखा है तो इसका मतलब 1 एमएल की बात कर रहा है, ग्राम मतलब इतना ग्राम, तो क्या हो गया 1.54 अपॉन 154 इनटू वॉल्यूम इन एमएल, तो किससे मतलब डिवाइड कर, जब इसको डिवाइड करोगे 1000 से तो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लगाऊं, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लगाता हूँ तो यहाँ पर 10 की पावर 2 आएगा, आएगा तो मतलब ये दो जीरो, ये दो जीरो को काट सकता है, तो क्या हो गया ये इसको काट दिया, आंसर क्या आ रहा, मुझे तो ऐसे ही 10 दिख रहा, मुझे तो 10 मोलर दिख रहा है, तो मैंने ये आयुषी सौम्या, अरे कोई दिक्कत, ये हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ मोल, क्या हो गया फॉर्मूला। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन, अब एमएल में है तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई में, तो देखो बेटा 1 अपॉन 100, अब वॉल्यूम कितने है एमएल में, ऊपर क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई, हां जल्दी से क्या आंसर आया, क्या आया सॉल्व करो जल्दी। अब एक क्वेश्चन और दे दूं, लिखो द क्वेश्चन इज 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन, क्या क्वेश्चन है, डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ कोक, कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, कार्बोनेटेड ड्रिंक, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ कोक इज,
फाइंड द मोलारिटी ऑफ कोक इज सॉल्व करो, पुराने फॉर्मूलास को देखो, उन फॉर्मूले पे वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर फॉर्मूले में क्या लिखना होता है, मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अच्छा यहाँ पर वॉल्यूम एमएल में दिया हुआ है, और वो भी 1000 ml दिया है, क्योंकि 250 ml दिया है, 250 ml दिया है। चलो अब तुम इस क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करो। कह रहे हैं अभी भी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होगा। कह रहे हैं 11.2 लीटर कार्बन 250 ml में, मोलैरिटी 1 लीटर के लिए निकलती है कि 250 ml के लिए? तो इसका मतलब, अगर तुमको इसका मतलब 4 into 11.2 लीटर प्रेजेंट होगी 1000 ml ऑफ कोक में। अब जाकर के तुम्हारा क्वेश्चन निकला, अब आएगा तुम्हारा नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो 4 into 11.2 upon 22.4, इसका मतलब 44.4 upon 22.4 लीटर। जब तुम इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 2 मोल। क्या आएगा? 2 मोल। तो ये नंबर ऑफ मोल क्या हो गया, 2, और मोलारिटी बराबर क्या हो गया, 2। अच्छा ये तो नंबर ऑफ मोल है। अब आगे सॉल्व करो। सर CO2 का क्यों लिखोगी फॉर्मूला? यहाँ पर ये सिखाया नहीं है, नंबर ऑफ मोल बराबर वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, सिखाया कि नहीं सिखाया? चलो अब आगे सॉल्व करें, ये समझ में आया? चलो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो मोलारिटी बराबर क्या हो गया, 11.2 दिया हुआ है अपॉन 22.4 हो गया, इनटू वॉल्यूम कितना दे रखा है, 250 ml, और इसका डिवीजन किससे करें हो जाएगा, 1000 से ना, एमएल है ना, तो ये हो गया 2, और ये 25 चौका 100। तो ये क्या हो गया जब तुम इसका सॉल्व करोगे, तो 4 upon 2 आंसर आ गया कि नहीं आ गया? देखो इस तरीके से भी और इस तरीके से भी सॉल्व हुआ कि नहीं आया? चलो करो, हेडिंग डालो एप्लीकेशन। सर इसी बात करते बेटा, ठीक है? चलो देखो, कैलकुलेशन ऑफ एप्लीकेशन, सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, इज यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स या मिली मोल्स। इट इज हेल्पफुल या इट इज यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मिली मोल्स। सो मोलैरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। देखिए देखो
कोई दिक्कत? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के ये कुछ फॉर्मूला है? इतने तो इतनों से तो आप वाकिफ ही थे, केवल आपके लिए यही तो एक नया है, वो भी नया क्या है, बस यही तो हो गया। चलो तीसरी बात लिखो, अगर इन सब में, अगर इन सब में हम ये जितनी वैल्यू है इनमें अगर 100 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, कितने से मल्टीप्लाई कर दें 1000, तो क्या निकल जाएगा? मिली मोल। क्या निकल आएगा? मिली मोल। तो क्या निकल आएगा? मिली मोल। तो इसका मतलब क्या है? V into 1 m, m into volume in ml is equal to weight upon molecular weight into 1000, तो निकल गया मिली मोल। ये V upon 22.4 लीटर into 1000 या फिर molecules upon 6.02 into 10 की पावर 23 into 1000। बात समझ में आ गई? ये एक और फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, नोट कर लीजिए। चलें आगे बढ़ें, बोलो बेटा। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। द क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन इज नंबर ऑफ मोल्स इन, नंबर ऑफ मोल्स इन 200 ml ऑफ m by 10 NaOH solution is, बोलो बताओ, सॉल्व करो। क्वेश्चन में फॉर्मूले में वैल्यू रखो, आंसर आ गया। कौन कौन कर सकता है? जल्दी करो, क्या फॉर्मूला है? तो कहेंगे सर नंबर ऑफ मोल बराबर एम, एम इंटू वॉल्यूम इन लीटर, अरे लीटर नहीं तो ml, अगर लीटर नहीं तो m इंटू वॉल्यूम इन ml अपॉन 1000। हाँ, क्वेश्चन में सब कुछ दिया होगा, क्या हो गया m अपॉन 10 इंटू वॉल्यूम दे रखा है 200 अपॉन 1000, तो क्या हो गया 2m अपॉन 100 या m by 50, ये तो कह सकते हैं। अब मोलारिटी जनरली हम किसके लिए लिखते हैं? एक मोल, एक मोलर सॉल्यूशन के लिए या एक मोल के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/50, m को अगर 1 मानोगे तो क्या हो जाएगा 1/50। सॉल्व करो, कितना आता 1/50 होता कितना? यहाँ पर m को क्या कंसीडर करो 1, तो बेटा 1/50 क्या होता है? हाँ 0.02, दिखाएं करके देखो 1, अगर मैं इसमें 0.5 into 10 लिख दूँ, लिख सकता हूँ 0.5 to 1, तो ये क्या हो गया 2/10। अच्छा ये 10 है, अगर मुझे इसको ऊपर लेके जाना होगा तो ये हो जाएगा 2 into 10 की पावर -1, हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 0.2, ये नहीं है 0.2, हाँ जीरो, ये जीरो एक और बढ़ेगा ना, क्योंकि 50 है,
क्या है 50 है, तो भैया अगर एक जीरो हटाओगे तो 5 होगा, एक और जीरो हटाओगे तो ये होगा, तो यहाँ पर 2/100 होगा, 10^-2 होगा, 0.02 होगा, 0.02 होगा। बात समझ में आ गई, सॉल्व करिए, हो गया। छापने का एक्सपर्ट है। चलो यार क्वेश्चन दे क्या दो बातें ना जाना भूल, चार मई और चुनाव है यहाँ। चलो क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बताते हैं, क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बता सकता है। 100 ml ऑफ M/5 HCl एंड 200 ml एंड 200 ml ऑफ M/20 नाइट्रिक एसिड, फाइंड द टोटल मिलीमोल इज, ये क्या कर दिया सबने, ये कर दिया सबने, m into volume in liter into 1000 होता था ना मिलीमोल, तो ये वॉल्यूम तो ml में दिया है, और अगर वॉल्यूम ml में दिया है तो इसका डिवीजन किससे करते थे, 1000 से, और इसका मल्टीप्लिकेशन 1000 से किए मिलीमोल निकालने के लिए, तो आंसर तो वही हो गया ना। हाँ ठीक है, चलो अब यहाँ वैल्यू रखो, m by 5 को 1/5 भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 1/5 ठीक है, और HCl में ml कितना है 100, तो मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना आ गया, तो कहेंगे सर 20 मोल, ठीक है, और दूसरा क्या है नंबर ऑफ मिलीमोल, नंबर ऑफ मिलीमोल है, नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ नाइट्रिक एसिड इज इक्वल टू 1/20 × 200, तो क्या हो गया, अरे ये 200 ml है ना, 1/20 तो है, तो आंसर हो जाएगा 10, 1 कैसे होगा, क्या हो जाएगा 10 मोल, क्या आएगा 10 मोल, यहाँ तक बात समझ में आ गई, अभी तो टोटल मिलीमोल पूछा है, तो कितना आ जाएगा टोटल, क्या हो जाएगा 20+10 30 mmol, हो गया, नोट करो, क्वेश्चन लिखिए, हेडिंग डालिए, हेडिंग नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी ऑफ मिक्सचर, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर और ऑफ टू और मोर ठीक है सॉल्यूशन ऑफ सेम कंपाउंड, so molarity of mixture is equal to क्या? इस टाइप की
चलो ठीक है, चलो इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन जरूरी है। तो द क्वेश्चन इज 100 ml ऑफ M/10 NaOH एंड 200 ml ऑफ M/10 NaOH इज मिक्स्ड। फाइनल मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर इज फॉर्मूला क्या है? देखो फॉर्मूला देख लो एक बार। टोटल मिलीमोल अपन टोटल मोल। चलो वॉल्यूम पर निकाल लिए, मिलीमोल कैसे निकालते हैं? क्या आपके सर ने सिखाया मिलीमोल निकालना? कैसे सिखाया? नंबर ऑफ मिलीमोल इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन एमएल। चलो इस वाले का देखते हैं, केस फर्स्ट वाले का देखते हैं। तो क्या हो गया? नंबर ऑफ मिलीमोल NaOH इज इक्वल टू 1/10 इनटू 100। और इस वाले का क्या हो गया? 1/10 इनटू 200, 20 मिलीमोल। इसका 1 मिलीमोल। अरे 10 था ना बेटा, 10 था, सॉरी 10 मिलीमोल। ठीक है, तो क्या हो गया टोटल? क्या हो गया टोटल? क्या हो गया 10 + 20। अपन वॉल्यूम कितना है टोटल? तो भैया वॉल्यूम V1 क्या है? V1 है 100 और V2 है तुम्हारा 200। ठीक है, V2 200 है, V1 आपका 100 है और V2 200 है। तो ये हो गया 100 + 200 दैट इज 30/300। ठीक है, या 0.1 मिलीमोल। तो टोटल मोलैरिटी 0.1 मोलर। हमें लग रहा बाकी के जितने भी प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना मनोबल हार लिया है। हाँ, और किसी की आवाज नहीं आ रही है, बाकी सर में दर्द हो रहा है, भी बंद हो गई। बेटा मेरे सुबह से सर में दर्द हो रहा है, मैं सुबह से ऐसे सुन के पढ़ा रहा हूँ। खुद ईयरफोन लगा के दूसरा गाना सुन रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, कुछ चीजों पे हम आप कुछ नहीं कर सकते, हमें आपको से साउंड पोल्यूशन आ रहा है। सारे नियम कानून आम नागरिकों के लिए होते हैं। हाँ, 10 ml ऑफ M/2 सल्फ्यूरिक एसिड एंड 50 ml ऑफ एंड
बिल्कुल एकदम एक एक चीज सेम है, अगर आप नहीं देख देख के भी करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले क्या निकालना है, क्वेश्चन पूछा क्या है, फाइनल मोलैरिटी पूछा है। तो फाइनल मोलैरिटी का फॉर्मूला इसके ऊपर क्या लिखवाया है, टोटल मिलीमोल अपॉन टोटल वॉल्यूम। बस सबसे पहले दोनों का मिलीमोल निकाल लो, फिर उनको जोड़ दो तो टोटल मिलीमोल आ गया। सर 10 बाय 1 इसका नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ दिस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, तो कहेंगे सर मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। तो ये हो गया m बाय 2 लिखो या 1 बाय 2 लिखो एक ही बार, इनटू 10 ये हो गया 5। सेकंड वाले के लिए करोगे तो क्या हो जाएगा, m मतलब 1 अपॉन 10 इनटू 50 तो क्या हो गया 5। चलो तो टोटल मिलीमोल क्या हो गया, 10 अपॉन टोटल वॉल्यूम इन ml, ये तो होता है 5 + 5 अपॉन 10 और 50 10 अपॉन 60 1 अपॉन 6 ठीक है। अब 0.1 6 × 6 और 6 × 36 0.16 मोलर टोटल वॉल्यूम 50 ml 10 ml मैंने वो 1 लीटर ये देखो बेटा पुराना फॉर्मूला हाँ सर वो मैंने देखा टोटल वॉल्यूम मत कहिए इसमें एक करेक्शन करिए, आंसर गलत है ये गलत है, यहाँ तक क्वेश्चन सही था, क्वेश्चन गलत कहाँ से हुआ, इस जगह से। क्वेश्चन में क्यों गलत हुआ, क्योंकि लिखा हुआ है कि 10 ml है 50 ml है राइट, और इसके बाद इन्होंने कहा कि इसको मिक्स किया गया और इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ करके 1 लीटर हो गया। क्या हो गया, मतलब इसे पानी भी डाला गया, कितना डाला गया होगा, तो कहेंगे सर 60 ml अगर ये है तो 940 ml पानी और जोड़ा गया, मतलब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 1000 ml। क्या हो गया 1000 ml। तो यहीं से क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो टोटल मिनिमोल, तो अब मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगी, तो कहेंगे 5 + 5 नीचे कितना लिखेंगे बेटा, नीचे 1000। तो आंसर क्या हो गया 1 upon 100 मोलर। ठीक है समझ आया, चलिए अच्छा क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या है 1 upon 100। ठीक है, तो मैंने मोलैरिटी इवन मिक्सचर और सब चीज सारी चीजें आपको सिखा दी, ठीक है समझ आया आप लोगों को। चलिए तो हेडिंग डालिए कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या डालेंगे देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो मोलैरिटी बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मतलब वॉल्यूम ml में है, तो क्या हो जाएगा 1000 से 3। तो वेट इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए m into molecular weight। अच्छा मैं स्मॉल m नहीं लिखता हूँ, बुक्स में लिखा होता है
क्योंकि ये मोलालिटी से रिलेट करता है, इसलिए मैं बिल्कुल क्लियर कट आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप यही सीखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन इट्स 100 ml M/2 सॉल्यूशन। क्वेश्चन में 1000 ml दिया है। मोलैरिटी M/2 दी है, 1/2 हो गई और इसका मल्टीप्लाई किया आपने 1000 से। ये कट गया 20। राइट आंसर इज 20। सो द राइट आंसर इज वेट इज 100 ml लिखा है बेटा, यहाँ पर एक गलती हो रही है हम लोगों से, यहाँ पे हम लोग से गलती ये हो रही है कि यहाँ पर 100 ml लिखा है, हमने 1000 से कर दिया है, क्या होगा 100, तो ये 100 करोगे तो ये 3 बांटोगे इससे, इससे 2 ग्राम आएगा, क्या आएगा 2 ग्राम। इसको सॉल्व करो फिर से, यहाँ पर इसको करेक्शन करते हैं। ठीक है, मोलैरिटी इज 1/2 इनटू ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट हो गया 40 सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड 23 प्लस 16 प्लस 1 इनटू वॉल्यूम कितना है 100 ml, वॉल्यूम 100 ml अपॉन 1000। 2 0 यहाँ से कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया, और अब बचा 4 और 2 2 4। राइट आंसर इज 2 ग्राम। आ रहा है? चलो हेडिंग डालो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। क्या डालो? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। द नेक्स्ट इज effect of dilution। इतनी देर में तो मैं पूरे मोहल्ले सब्जी बेच देता हूँ। solution on dilution further dilute solution। on dilution क्या होता है? addition of ऑफ सॉल्वेंट। शरबत को बहुत मीठा शरबत हो जाए तो शरबत को फीका करना है तो क्या करोगे? चीनी डालोगे कि पानी डालोगे? पानी। तो शरबत का एक पार्ट पहले से ही पानी था ना, तो ऐसा थोड़ा शरबत का बहुत मीठा हो जाए तो उसमें तेल डाल दिए। क्या ऐड करते हैं हमेशा? सॉल्वेंट, पानी नहीं, सॉल्वेंट, हमेशा सॉल्वेंट ऐड करते हैं। समझ आया? चलो देखो पहला पॉइंट, मोल्स या मिली मोल्स, मोल्स या मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम। अब मेरी एक बात समझो कि एक नदी है, उसमें 100 मछलियां हैं, हमने नदी में और पानी भर दिया,
तो मछलियां कितनी है नदी में? ठीक है, तो मोल्स मतलब पार्टिकल, पार्टिकल के नंबर वेरी नहीं करते, कितना भी आप पानी मिला लीजिए, सॉल्वेंट मिला लीजिए, ठीक है। अब मछलियां पास पास में रहेंगी कि दूर दूर रहेंगी? दूर दूर रहेंगी, वॉल्यूम बढ़ गया, राइट, मतलब पानी बढ़ गया, सॉल्वेंट बढ़ गया। अब उतने ही, जैसे एक तालाब में 100 मछली थी, हमने निकाला, एक नदी में 100 मछली डाल दी, अब मछलियां फैल फैल के रहेंगी, हाँ फैल फैल के रहेंगी, सबके अपने अपने कमरे होंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पानी ऐड करने से क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मोलैरिटी, बढ़ेगी कि घटेगी? What is molarity actually? Number of mole per volume in liter. Volume. Question खुद ही कह रहा है volume बढ़ रहा है. Molarity बराबर number of mole per volume in liter. ये तो fix है. ये तो fix है. अभी बताइए fix है? क्या बढ़ रहा है? Volume. ये घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा. क्या हो गया? Molarity decreases because क्या बढ़ेगा? ठीक है, चलो मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मिली मोल ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। अरे ये क्या अजीब बात है, अरे बिल्कुल सही बात है, नंबर ऑफ मोल पर कोई फर्क थोड़े पड़ा, नंबर ऑफ मोल पे कोई फर्क थोड़े पड़ा, ठीक है। लेकिन मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो होता था। अरे मेरे बच्चे, नंबर ऑफ मिली मोल क्या होता था? तो कहेंगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ही तो होता था। तो नॉर्मल सॉल्यूशन का जो जो मिली मोल है और जो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मिली मोल है सेम होगा। क्या समझ गए? ठीक है, चलो देख लो बेटा, लिख लो, यहाँ लिख दे रहा हूँ। अरे सर आप सोचो, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या है? नंबर ऑफ मिलीमोल, नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब जब यही क्लास मेरी मम्मी करेंगी, शाम वो खाली होती है तो पढ़ती है, ठीक है, हाँ नीट देंगी, ठीक है, समझो, तो वो कहेंगी कि लिखते तुम ऐसा और समझ ही नहीं आता, समझ रहे, इसलिए मैं चले ज्यादा समझ में आ गया। अब मेरे फादर की 90% टाइम कंप्लेन ये रहती है कि इसी के सामने लिख दे तो आज कहाँ से लिखे हैं हम, तो हम कहते हैं अब हम साइड हो जाते हैं, इसलिए आजकल मैं यहाँ पे लिखता ही नहीं हूँ कुछ, ठीक है, यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, आप लोग यहाँ से लिखिए, ठीक है, चले। यहाँ तक मैंने आपको मोलैरिटी के बारे में सब पढ़ा दिया, ठीक है, अब मुझे आपको पढ़ाना है, नहीं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट क्लास में यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू।